लो, जल्दी जल्दी हाथ चला। क्या सोच सोच के काम कर रही हो, अभी तक बर्तन भी नहीं धुले। अरे माँ, कर तो रही हूँ काम, और कैसे करूँ, सारे घर के काम मुझसे करवाती हो। मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन आपको तो मेरी कोई चिंता नहीं। सारी जवानी काम की है मैंने, अब क्या बुढ़ापे में भी मुझसे काम करवाएगी। उसके बाद जॉन सो जाती है और काफी सारी देर वो सोती रहती है। फिर उसके बाद उठकर वो कमरे में जाती है, उसे रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मेरा पेट, माँ देखो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत गैस जमा हो गई है। इसलिए कहती हूँ बासी चीजें मत खाया कर, और कल तो जो वो गोलगप्पे खा रही थी उसकी वजह से हुआ होगा। चला तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर उसके बाद दूसरी सुबह जॉन अपनी बेटी पतलू को डॉक्टर के पास ले जाती है। माँ, डॉक्टर से कहना मुझे इंजेक्शन ना लगाए, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फूड पॉइजन था, लेकिन कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगी। मैं इसे अभी एक इंजेक्शन देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची इंजेक्शन से बहुत डरती है, आप इसे कोई दवाई वगैरह दे दो, इंजेक्शन मत लगाओ मेरी बेटी को। दवाई लेकर वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। ऐसे इंजेक्शन नहीं लगवाया तूने, अगर इंजेक्शन लगवा लेती तो अच्छे से आराम आ जाता, लेकिन तू मेरी बात सुनती नहीं। अब खबरदार जो तूने कोई बासी चीज खाई हो तो। अरे माँ, वो फ्रिज में कचौरियाँ रखी है, वो तो जरूर खाऊंगी हरी चटनी के साथ, मेरी तो बहुत फेवरेट है। अगर तूने उन कचौरियों को हाथ भी लगाया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी पतलू की बच्ची, तूने मेरी नाक में दम कर रखा है, चल मेरी नजरों से दूर हो जा। एक दफा का जिक्र है कि एक गाँव में मोटू नाम की लड़की अपने पति पतलू के साथ रहा करती थी। मोटू और पतलू दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मोटू की सास जॉन मोटू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे मोटी बहू, ये तू क्या सुबह से किचन में खटपट खटपट कर रही है, खाने को कुछ मिलेगा या फिर नहीं? औरों की बहुएं हैं स्लिम स्मार्ट सुंदर सी, लेकिन मेरी बहू इतनी मोटी है, मुझे तो शर्म आती है बताते हुए भी। अरे मम्मी जी, मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं डाइटिंग करूँगी तो मैं पतली हो जाऊँगी, फिर आपको अच्छी लगूँगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन जब मोटू अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब उसे अपने सास की चिल्लाने की आवाज़ आती है। छिपकली छिपकली मुझे बचाओ, छिपकली मुझे बचाओ, छिपकली है यहाँ पर। अच्छा हुआ मम्मी जी की कोई ना कोई कमजोरी मेरे हाथ लगी, नहीं तो इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। अब मैं इन्हें बताऊँगी कि बहू को कैसे जलील किया जाता है। अरे बहू, घर के काम कौन करेगा, सुबह से यहाँ वहाँ घूम रही हो तुम। अरे मम्मी जी, पता नहीं क्यों उस दिन उस छिपकली को मैंने मारा था, तो मुझे लगता है उस छिपकली की आत्मा मुझ में आ गई है, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद छिपकली की तरह लगने लगती हूँ। क्या कह रही हो तुम, ये कैसे हो सकता है, जाओ जाओ दूर हटो मेरे मुझसे, तुम आराम करो कमरे में जाओ, और तुम्हारा काम मत करना। तो दोस्तों,